हे व्हाट्स गाइस, मेरा नाम रितेश और आप लोग देख रहे हो ईडब्ल्यू रितेश यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुनाऊं वेलोसिटी थंबनेल्स को क्रिएट करना। सबसे पहले एग्जांपल को देख लो। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी टाइप्स के थंबनेल्स को क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को मतलब ईडब्ल्यू रितेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अभी चलते सीधे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि भाई की इस टाइप्स के थंबनेल्स को कैसे क्रिएट करना है। तो लेट्स गो। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। उसके बाद वो आपका फोटो के तरह इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको सिंपल इसको ओपन कर देना है। सिंपली जैसे तो मैंने अपना फोटो को ओपन कर दिया है, तो यस। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसे स्क्रॉल करना है। आपको इधर टेम्परेचर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस सर्कल के ऊपर, छोटे से सर्कल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। मिक्स, उसको मिक्स कहते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और अभी लास्ट में आ जाना है, और लास्ट से सभी कलर का सेचुरेशन को आपको सिंपली डाउन करते हुए चले जाना है, ठीक है। सभी कलर का डाउन करते हुए चले जाना है, और आपको उसके बाद आपके पास ऑरेंज कलर बचेगा, तो सिंपली आपको ऑरेंज के ऊपर क्लिक कर देना, इसका सेचुरेशन को प्लस कर देना, और लुमिनेंस को भी प्लस कर देना, और रेड को भी फुल डिक्रीज कर देना। उसके बाद डन कर देना। उसके बाद आपका ना एक इफेक्ट्स मिलेगा आपको नीचे के साइड, ऑप्शन बोले तो ये वाला, ठीक है। जहाँ इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद क्लियरिटी को 100 प्लस कर देना है, टेक्चर को भी 100 प्लस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा डेप्थ जहाज का ऑप्शन, इसको सिंपली 10 प्लस कर देना है। उसके बाद आपको विग्नेट का ऑप्शन मिलेगा, तो उस विग्नेट को आपको माइनस कर देना है अराउंड 20, ठीक है। उसके बाद इस फोटो को आपको इधर से सेव कर देना है। उसके बाद आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। देन न्यू टेक्स्ट वाला होगा, इसको आपको सिंपली इधर से डिलीट कर देना है। उसके बाद थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करिए, इमेज साइज के अंदर आके कस्टम के ऊपर क्लिक करिए, आपको इधर से यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको नीचे फोर्थ नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर नॉर्मल क्लिक कर देना है। फोटो गैलरी के अंदर आ जाना है, और अभी आपने जो फोटो सेव किया था उसके इधर अप्लाई कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऊपर न्यू टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है, और आपको इधर लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हो। तो इधर सिंपली मैं लिखूंगा नो लव, ठीक है, नो लव लिखूंगा। उसके बाद इसको डन करूंगा, ओके करूंगा। उसके बाद आपको ए सेक्शन के अंदर आ जाना है, उसके बाद स्क्रॉल करना है, इधर फोन का ऑप्शन मिलेगा, और आपको एक फोन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली मैं आपको ये फोन को इधर ऐड कर देना है, इसका साइज़ को थोड़ा सा प्लस कर देना है। इसके बाद नीचे का साइज स्क्रॉल करना है आपको, इधर फेसिंग का मिलेगा ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना, और आपको इधर फेसिंग को प्लस करना है, ठीक है, 10 से ज़्यादा ही रखना, तो मैं इधर 17 रखूँगा। उसके बाद आपको सिंपल इसका साइज को इसे प्लस कर देना है, ठीक है। नीचे का सेट ऐसे कुछ इधर सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर ये सेट आ जाना है पेंडिंग के अंदर, और लेफ्ट और राइट प्लस प्लस कर देना है। उसके बाद आपका रिलेटिव साइज पोजीशन के अंदर आ जाना है, और आपको एकदम इसको सेंटर वाले कर देना है। उसके बाद डन कर देना है। इसके साथ स्क्रॉल करना है, आपको इधर शॉक का ऑप्शन मिलेगा, इसको एनेबल कर देना है, और इसको ग्रे कलर देना, और इसको विथ को 2 रखना। उसके बाद डन कर देना। उसके बाद शेडोज के अंदर आके इसको भी ऑन कर देना, और आपको इधर व्हाइट कलर का शेडो को इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद डन कर देना है। इसके बाद इंटरनल शेडोज को भी एनेबल कर देना है। ब्लर रेड उसको 0 कर देना, ठीक है। और ऑफसेट को एक्स को आपको 2 प्लस कर देना है, वाई को 2, ठीक है, कुछ इस टाइप से। उसके बाद डन कर देना है, और इस टेक्स्ट को आपको फिर से एक बार कॉपी कर देना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके अब आपको इधर लिखना है विक्टर एडिट्स, या आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं इधर लिखूंगा वेलोसिटी एडिट्स, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं इधर वेलोसिटी एडिट्स लिख रहा हूँ, अब आप हिसाब से कोई भी लिख सकते हो। तो मैंने इधर वेलोसिटी एडिट्स लिख दिया है। इसका एकदम साइज को छोटा कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे साइज स्क्रॉल करके फेसिंग के अंदर आ जाना है, और फेसिंग को फुल प्लस कर देना है, ठीक है। और एकदम इसको बाद आपको रिलेटिव पोजीशन के अंदर आना है, और इसको भी एकदम सेंटर कर देना है। और देख सकते हो कि आपका थंबनेल कुछ इस स्टेप से बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, इन दोनों लेयर्स को इधर से लॉक कर देना है। उसके बाद प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, शेप के अंदर आ जाना है। उसके बाद आपको कलर्स का नीचे ग्रेडियंट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। आपके सामने कुछ इस स्टेप से इंटरफेस आएगा। इधर ब्लैक कलर होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, कलर्स के अंदर क्लिक करके इसको फुल ट्रांसफर कर देना, ठीक है। और जो व्हाइट कलर है दूसरा साइड, उसके ऊपर क्लिक करके आपको इधर से व्हाइट कर देना है कुछ इस टाइप से, और उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। अभी आपको इसका साइज को ऐसे फुल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको ऊपर की साइड ऐसे सेट कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, और थर्ड नंबर के ऊपर क्लिक करके इसकी कॉपी बना देना है। इस कॉपी को आपको सिंपली क्या करना है, रोटेशन कर देना है नीचे की साइड ऐसे पकड़ के, और उसके बाद आपको स्क्रॉल करके इधर कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसको एनेबल कर देना, और आप इसको रेड कलर दे देना, ठीक है। और फिर से आपको इसको थोड़ा सा रोटेशन कर देना है, कुछ इस टाइप से इधर सेट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे साइज ओपेसिटी मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करके आपको उसको ओपेसिटी को कम कर देना है। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देना है।
और देख सकते हो आपका एक मस्त थंबनेल बन के रेडी है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए ईडब्ल्यू रितेश को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहो, खाते पीते रहो।